नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा देवी का दर्शन किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब संसार में अंधकार विराजमान था तब माता कुष्मांडा ने इस सृष्टि की रचना की, जिसके कारण उन्हें आदिशक्ति के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव ने भी आदिशक्ति का गुणगान किया है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के चौथे दिन यदि मनुष्य हरे वस्त्र पहनकर माँ कुष्मांडा का सच्चे मन से दर्शन करता है तो उन्हें यश, कीर्ति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। सूर्य को दिशा और ऊर्जा प्रदान करने वाली माँ कुष्मांडा को भोग के रूप में सभी चीजें पसंद है, मगर यदि माता को लाल रंग के फूल चढ़ाए जाए तो माँ को अति प्रिय है। बाघ की सवारी करने वाली माता की कांति और तेज अत्यधिक है, क्योंकि माता कुष्मांडा सूर्य के ऊपर रहती हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माता दुर्गा की शक्ति स्वरूप की कुष्मांडा देवी का जो है यहाँ दर्शन पूजन का विधान है। आइए हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से माता कुष्मांडा देवी के मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। सुबह प्रातःकाल से जब से पट खुला है माँ का तब से यहाँ पे भक्तों का तांता लगा हुआ है। और हिंदू मान्यता के अनुसार जब संसार में सिर्फ अंधकार हुआ करता था तो माता कुष्मांडा ने अपने हाथ से ब्रह्मांड की रचना की, और तब से ही माता कुष्मांडा को शक्ति स्वरूपा और या आदिशक्ति के रूप में जाना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यदि कोई व्यक्ति हरे वस्त्र आज पहन करके माता का मन से पूजा अर्चन करता है तो उसे सुख समृद्धि और यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। वाराणसी से सहयोगी महेंद्र के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ बकेट। चौथा इसलिए ज़्यादा दर्शन होता है, मंगल को भी होता है, शनिवार को भी होता है नवरात्रि में, कि ये लोग माता का आशीर्वाद मिलता है, उनकी छाया रहती है सारे दुनिया पर, एक इंसान पर नहीं सारे दुनिया पर छाया रहती है, उनकी कृपा है जो कि आज दुनिया चल रही है। क्या माता को भोग क्या लगाते हैं, क्या विशेषता है, किस प्रकार का भोग लगता है? 56 प्रकार का भोग लगता है, उसमें हर कुछ रहता है। 56 प्रकार का भोग लगता है, उसमें हर चीज़ रहता है। यहाँ की मान्यता ये है कि नवरात्र में जो भी यहाँ पर दर्शन करता है वो अपने जो भी इच्छा रखता है उसका इच्छा पूर्ण होता है। इस आशा के साथ लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। हम लोग नवरात्र में 9 दिन यहीं पर आते हैं दर्शन करने के लिए। आज तो माँ कुष्मांडा का दिन है, चौथा दिन। माँ में श्रद्धा भी है, भरपूर है, आस्था है, तभी आ जाएँ दर्शन करने। और अभी तो बैचलर लाइफ है तो बस यही है कि अच्छे से पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी मिल जाए अभी बस।